वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो आज मैं ब्लॉग बहुत देर से शुरू कर रही हूँ क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत डाउन थी, फेस से लगी रहोगा और थोड़ा स्वेलिंग भी आ गई है। रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और ठंड भी बहुत थी आज, इसीलिए तो आज मेरा कुछ खाने का मन था और मेरा मन कर रहा था मैं कुछ बनाऊँ, तो इसलिए आज मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ, वो भी न्यू तरीके से। आई होप आप लोग को पसंद है, तो चलो बनाते हैं। तो मैंने सोयाबीन को 1 घंटा पहले भिगो दिया था, इसका सारा पानी निकाल लिया, अब इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो मैंने अच्छे से पीस लिया, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, आप लोग भी इसमें बिल्कुल भी पानी ना डालिएगा। ये मैंने प्याज काट लिया छोटे छोटे और साथ ही में मैंने 2 टमाटर, मिर्चा, लहसुन और तेज़पत्ता, इसको मैंने अच्छे से पीस लिया। मैंने 1/2 कप बेसन लिया है, जो मैंने सोयाबीन पीसा था उसमें मैंने मिला दिया अच्छे से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं बट मुझे स्पाइसी पसंद है। उसके बाद हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, हमें ध्यान रखना है कि हमें सब्ज़ी में भी नमक डालना है। उसके बाद हमने जो प्याज काटे थे उसको इसमें डाल देंगे अच्छे से और सबको अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रहे इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना क्योंकि सोयाबीन, एक तरफ हमने तेल रख दिया अच्छे से गर्म होने के लिए और हम सोयाबीन का इस तरह गोल गोल लड्डू जैसे, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया और हम एक एक करके सोयाबीन को एक एक करके तल लेंगे। सोयाबीन को अंदर तक पकने देंगे और गैस की फ्लेम को ये देखिए हमारा सोयाबीन अच्छे से फ्राई हो गया है और इस पर मैं अभी और फ्राई करूँगी, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। ये देखिए हमारा सोयाबीन अच्छे से फ्राई हो गया और कितना अच्छा लग रहा है, आप ऐसे भी खा सकते हैं रोटी के साथ, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ये कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया, मैंने सबसे पहले तेज पत्ते का तड़का दिया है, उसके बाद मैंने इसमें खड़ा मसाला लिया, जावित्री, लौंग है, इलायची है, आप चाहे थोड़ी से पहले थोड़ा सा हम चला लेंगे। उसके बाद फिर हम इसे प्याज से फ्राई करेंगे, प्याज डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे और साथ ही में लहसुन डालेंगे छोटे छोटे पीस में। हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इसमें टमाटर, प्याज का जो मसाला मैंने पीसा था उसे डाल के अच्छे से, अब हम इसमें प्याज टमाटर को डाल के अच्छे से भूनेंगे मसाले को, जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे तब तक भूनेंगे। हमारा मसाला देखिए अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे पीसी धनिया, उसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे, उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे और पीसी धनिया डालेंगे साथ ही, और सारे मसालों को डाल के अच्छे से हम भून लेंगे। बहुत अच्छे से भूनना है और जितना आप मसाले को भूनोगे उतना सब्जी का स्वाद अच्छा आता है। और इसमें हम जरा सा पानी डालेंगे, आप पानी ज़्यादा मत डालिएगा, कम कीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ 1/2 गिलास पानी डाला है और मसाले को अच्छे से भूनेंगे, कम से कम हम 20 मिनट तक इसे भूनेंगे। और अब बारी है सब्जियों का राजा नमक की, तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और मसाले में भून गया, तो मैं इसमें सिर्फ 1/2 गिलास पानी डाल के और इसे अच्छे से भूनूंगी, जितना मसाला भूनो उतना स्वाद आ रहा है। और हम मसाले में 1 गिलास पानी डाल के इसे अच्छे से पकने देंगे, इसे प्लेट से अच्छे से ढक देंगे 10 मिनट के लिए। तो हमारी सब्ज़ी अच्छे से उबल चुकी है, अब हम इसमें सोयाबीन का जो हमने बनाया था उसे डालेंगे, एक एक करके डालेंगे। अब हम इसमें सारा डाल दिया सोयाबीन, अब हम इसे कम से कम 10 मिनट तक पकने देंगे अच्छे से, और इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, सच में बहुत टेस्टी बनता है। तो फाइनली मेरी सोयाबीन की सब्ज़ी बन चुकी है और देखने बहुत टेस्टी है, तो आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी है, एंड और सच में बहुत टेस्टी बनती है। तो प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू सो मच।